हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चंद्रकला। मैं इनको सांचे से बनाना बताऊंगी और आप इनको आसानी से घर पर बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए हमको चाहिए थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़ी सी किशमिश, आधी कटोरी बूरा, एक कटोरी कसा हुआ नारियल, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़ा सा केसर, 250 ग्राम मावा, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, 2 कप मैदा, 2 कप चीनी, तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। पहले हम चाशनी बनाते हैं। एक बर्तन लें, उसमें चीनी डालें, 2 कप पानी, लगातार चलाते हुए चाशनी को उबलने देंगे। हमारी चाशनी उबल चुकी है, उसमें हम केसर डालेंगे। चाशनी हमको एक तार की चाहिए, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम गैस को बंद कर देंगे। एक बर्तन लें, उसमें मैदा डालें, 5 से 6 चम्मच तेल, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमको मैदे में रिफाइंड ऑयल इतना डालना है, अगर हम मैदे की मुट्ठी बांधें तो हमारी मैदा जुड़ जाए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथेंगे। हमको आटा टाइट गूंथना है। हमारा आटा गूंथकर तैयार हो चुका है, इसको हम ढककर रख देंगे। चलिए अब हम भरने के लिए मसाला तैयार करते हैं। मावा लें, उसमें गोला डालें, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, इलायची, बूरा, सबको एक साथ मिला देंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम 2 चम्मच मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम मैदे को एक बार फिर से गूंथेंगे। हमको छोटी छोटी लोई तैयार कर लेनी है। एक लोई लें, उसका पेड़ा बना लें। अब हम एक छोटी पूड़ी तैयार करेंगे। हमको ज्यादा पतली नहीं बनानी है। इस तरह से मैंने 2 पूड़ी तैयार कर ली है। मैंने गोल सांचा लिया है, यह आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। सांचे के एक तरफ एक पूड़ी रखें और दूसरी तरफ दूसरी, बीच में एक चम्मच मसाला भरें, पूड़ी के चारों तरफ मैदे का घोल लगाएं और सांचे को धीरे से बंद कर दें। जो सांचे में एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से हमारी चंद्रकला बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। इसी तरह से हम अपनी सारी चंद्रकला तैयार कर लेंगे। गैस पर कढ़ाई रखें, उसमें रिफाइंड ऑयल डालें, गर्म होने दें। हमारा तेल गर्म हो चुका है, गैस को हम मीडियम रखेंगे। तेल में एक चंद्रकला डालें और मीडियम गैस पर तलें, बीच बीच में पलटते रहें। जब तक हमारी चंद्रकला गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है, तब तक हमको उनको तलना है। देखिए चंद्रकला गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है, उसको हम निकालते हैं। उसको पलटे में लें और कढ़ाई के साइड में लगाएं, जिससे एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। फिर हम उनको बनी हुई चाशनी में डालेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी चंद्रकला तैयार कर लेंगे। हमारी चंद्रकला बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए हम उनको एक प्लेट में सर्व करते हैं।
ये खाने में बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।